करने बैठेंगे तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भजन में स्वतः मन लगेगा। इसीलिए प्राचीन काल से हमारे यहां पे एक परंपरा है कि घर में एक कोना ऐसा हो जहां पर न कोई सांसारिक वार्ता हो, जहां पर न कोई सांसारिक चेष्टा हो, जहां केवल भगवत भाव हो, ताकि संसार के त्रिताप से तप्त होकर, संसार के त्रिताप से तप्त होकर जब आप उस कोने में जाएं तो फिर से निर्मल हो जाएं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हमको बाथरूम बेडरूम से भी बड़ा चाहिए, समस्त सुविधाओं से सुसज्जित। और मंदिर कहां होगा? रसोई में एक छोटा सा आला होगा। ये तो मैं तथाकथित बहुत बड़े बड़े घरों की बात कर रहा हूं। भगवान की सृष्टि में आया हूं, प्रभु मुझे हर रंग दिखाते हैं, भांति भांति के लोगों से मिलता हूं, भांति भांति की चेष्टाएं देखता हूं। ये तो मैं तथाकथित बहुत बड़े घर की बात कर रहा हूं। अक्सर, क्षमा करना, अक्सर छोटे घर में तो मुझे बड़ा व्यवस्थित मंदिर देखने को मिल जाता है, भाव का दर्शन हो जाता है, सुभाव का दर्शन हो जाता है। और किसी बहुत बड़े घर में जाकर देखो और पूछो तो मंदिर कहां है, तो सेठ जी बगले झांकने लगते हैं यहां वहां। अभी कुछ देर पूर्व मैं कह रहा था कि जिस प्रकार तन का स्नान आवश्यक है, उस प्रकार मन का भी स्नान आवश्यक है। और मैं तो कहता हूं कि तन की सुख सुविधा भोगने के लिए, तन के भोग को भोगने के लिए, तन से आनंद लेने के लिए भी मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति संसार की सुख सुविधा का भोग नहीं कर सकता, कैसे करेगा? यदि आप मन से हताश हैं, यदि आप मन से निराश हैं, और क्षमा करना, मैंने बहुत मखमली गद्दों पर सोने वाले व्यक्तियों को ही अवसाद की दवाइयां लेते देखा है, पिल्स फॉर डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। किसी शायर ने कहा है कि हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। सुख की परिभाषा कुछ और होती है, पाया हो सुख तो जानोगे सुख क्या होता है। मुंह का स्वादन मत, तो गूंगे का गुड़ है, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने ना है। जिस प्रकार अनाचार से कमाई हुई संपत्ति, जिसे आपकी भाषा में ब्लैक मनी कहते हैं, अनाचार से कमाई हुई संपत्ति को एक व्यक्ति छिपा कर रखता है, दुरा कर रखता है कि कहीं किसी की उस पर दृष्टि ना पड़ जाए, ठीक उसी प्रकार तप से, जप से, भजन से, संयम से, साधन से, अनेकानेक प्रयासों से जब ये आंतरिक सुख की संपत्ति कमाई जाती है, अर्जित की जाती है, तो भक्ति से छुपा कर रखता है, भक्ति से दुरा कर रखता है। भक्त को केवल एक ही बात का भय है कि कहीं मेरे इस भाव पर संसार की दृष्टि न पड़ जाए। ये भक्ति की कसौटी है। और आप देखोगे तो पाओगे कि आज तो संसार में बिल्कुल नितांत इससे विपरीत हो रहा। जितना अधिक प्रदर्शन है, जितना अधिक प्रदर्शन है, उतना ही बड़ा वो तथाकथित व्यक्ति है, तथाकथित बड़ा संत। मुझे ये शब्द आज तक समझ में नहीं आया, जब कोई कहता है कि अरे वो तो बहुत बड़े संत हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े प्रांगण में कथा कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे स्थान हैं देश में, इसीलिए वो बहुत बड़े संत हैं। ये संतत्व की परिभाषा नहीं है। दर्शन में और प्रदर्शन में एक बड़ा झीना सा भेद है। इसीलिए शायद मीरा जी ने कहीं लिख दिया है कि जौहरी की गति जौहरी जाने, कै जिन जौहर हुई। तो मैं आपके घर की बात कर रहा था कि उपयुक्त स्थान होना चाहिए मन के स्नान के लिए भी। इसीलिए हमारे बड़े लोगों ने, इसीलिए हमारे परवर्ती आचार्यों ने ये परिपाटी बनाई कि घर का एक स्थान ऐसा हो जहां न कोई सांसारिक चेष्टा हो, जहां न कोई सांसारिक वार्ता हो, न जहां कोई सांसारिक विषय की बात की जाए, जहां केवल एक भगवत भाव हो। जिस प्रांगण में
जिस प्रांगण में, जिस स्थान में प्रवेश करते ही, जैसे कितना भी मैला कुचैला व्यक्ति हो, बहती गंगा में डुबकी लगाता है, शीतल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे आपके आपके घर में भी कोई एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आप संसार के ताप से तप्त, दिन भर के व्यवहार से जूझते, छल कपट से जूझते, जब आप अपने मन का स्नान करने के लिए उस स्थान में प्रवेश करें तो डुबकी लगाते ही आप शीतल हो जाएं, निर्मल हो जाएं। आप जेठ के महीने में भी यदि गंगा तट का सेवन करते हैं तो तट के निकट यदि आप बैठे तो जेठ का ताप आपको नहीं लगता, गंगा की शीतलता आपको शीतल किए रहती है। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव है भजन में। इसीलिए हमारे बड़े लोगों ने कहा है कि भजन करने वाले को अपना आसन शुद्ध रखना चाहिए। जिस स्थान पर बैठकर आप भजन करें, जिस स्थान पर बैठकर आप भगवत सेवा करें, वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। तो द्रावदूदा ने कहा कि भगवान का दर्शन करने के लिए तीर्थ पर नहीं जाया जाता, जहां अनेकानेक भक्तों ने अपने भाव से भगवान को प्रकट किया है वो स्थान पवित्र है, उसका दर्शन करने जाया जाता है, वो उस जागृत परमाणु का स्पर्श करने जाया जाता है, उस स्थान की वंदना करने जाया जाता है। चर्चा करते करते वापस मेड़ता पहुंचे, मीरा की योग की शिक्षा आरंभ हो गई। आश्चर्यचकित थे वो मीरा के गुरु कि प्रथम दिन जब गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक बार आंख बंद करके बताओ क्या दिखाई देता है, आंख बंद करते ही जो ही उन योगी राज ने पूछा कि पुत्री क्या दिखाई पड़ता है, और हतप्रभ रह गए वो उत्तर सुनकर कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है, आंख बहुत देर तक बंद नहीं की जाती, आप आज्ञा करें तो मैं आंख खोल लूं। आश्चर्यचकित रह गए योगी। वहां मीरा की मां को चिंता होने लगी कि अरे मैं तो जन्म से चिंतित हूं कि ऐसी एक कन्या भगवान ने दी, और वो भी ऐसी, ना उसका गुड्डे गुड़ियों में मन लगता है, ना खेल खिलौने में, ना साज सिंगार करती है, ना सुंदर वस्त्र का कोई लोभ है, ना सखियों के संग खेलती है, ना घर की बड़ी बूढ़ियों के बीच में बैठकर कोई घर संसार की चर्चा वार्ता करती है, हे प्रभु ये कैसी कन्या मुझे दे दी। आज बड़ी छोटी सी अवस्था में अगर बालक भजन करने लग जाए ना तो पड़ोसी सबसे पहले परेशान हो जाता है। ऐसा मेरे जीवन में हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। मैं भी अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूं, सांत्वना देने आते थे लोग, समझाने बुझाने के लिए आते थे, अरे ये बालक को किस रास्ते पर डाल दिया, आपका एक एक बालक है, ये संसार की चाल है, ये संसार की गति है, संसार का दृष्टिकोण है, संसार ऐसे ही देखता है। गीध की दूरदृष्टि तो होती है, ध्यान से सुनना, गीध जो होता है उसकी दूरदृष्टि तो होती है, वो बहुत दूर तक तो देख लेता है, लेकिन उसको मोती पड़ा नहीं दिखता, उसको मांस का लोथड़ा ही दिखाई पड़ता है। उसकी दूरदृष्टि तो है लेकिन उसकी शुद्ध दृष्टि नहीं है। ऐसे हो सकता है संसार का कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आपको बड़े पते की बात बता जाए अपने दृष्टिकोण से, लेकिन वो पता ठीक हो ये कोई जरूरी बात नहीं है। हो सकता है उस पते पर पहुंचते पहुंचते आप अपना सब कुछ खो दें, अपना सब कुछ गवा दें। इसीलिए जब भी अपने आप को कसौटी पे कसने का समय आए तो संत की ही कसौटी पे कसना। ये भगवान की श्रीमुख वाणी है कि महान पुरुष जिस मार्ग पर चल कर गए हैं वही मार्ग चलने योग्य है, वही मार्ग जीवन में धारण करने योग्य है। मीरा की मां को चिंता थी, मां का एक सहज वात्सल्य था मीरा के प्रति कि कल को जब विवाह होगा, कल को जब ये पराए घर जाएगी तो किस प्रकार इसका घर व्यवहार संसार चलेगा। अरे कथा वार्ता सुनती थी इतना ही बहुत था, और अब इसे इसे कोई साधु बनाना है, इसे कोई जटाधारी बनाना है जो जो दाता हुकुम इसे योग की शिक्षा दिला रहे हैं। पर मीरा के दादा राजा थे, सबके सम्माननीय थे, वंदनीय थे, उनके सन्मुख कोई क्या बोले। चौथे दिन उन योगी राज ने बुलाया मीरा के दादा रावदूदा को कि इसकी शिक्षा पूर्ण हुई। रावदूदा आश्चर्य में पड़ गए कि चार दिन पहले तो आपने आरंभ कराया और चार दिन में शिक्षा पूर्ण हो गई। बोली इसका उत्तर तो मैं आपको नहीं दे सकता, मैं तो आपको केवल इतना कह सकता हूं
कि जो विद्या सीखने के लिए मैंने जन्मों प्रयास किया और कई कठिन क्लेश साधन करने के बाद भी जो मुझसे नहीं बन पड़ा वो इस कन्या ने 4 दिन में कर लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर अंततः समाधि, पूरे 4 दिन में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे केवल प्रभु ने एक निमित्त बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझ जैसे योगी राज को, जिसकी दृष्टि में योग साधन ध्यान वेदांत यही सर्वोपरि था, मुझे लगता है शायद प्रभु ने मीरा से मिलाकर इस कन्या का दर्शन कराकर मुझे ये शिक्षा दी है कि किस प्रकार भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। एक योगी भक्त हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एक भक्त स्वतः सहज स्वभाव से योगी होता ही होता है, जिसके मन चित्त की वृत्तियां युक्त हैं प्रभु के स्मरण से। धर्म नारथ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान हुआ। जो युक्त है भगवत स्मरण से, क्या परिभाषा है भक्त की? जो भगवान से एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं होता वो भक्त है। भक्ति के मार्ग पर विदेह हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने देह की सुध भूल जाए। भक्ति के मार्ग पर विदेह हो जाने का अर्थ है कि, और मुझे तो ऐसे लगता है कि विदेह व्यक्ति वस्तुतः विदेह नहीं है, देह की सुध भूल गई एक अलग स्थिति है। मुझे तो लगता है कि एक बालक विदेह होने का आनंद लेता है। जब कोई विदेह हो जाता है तो न तो फिर सुख है न फिर दुख है, फिर एक शून्य की स्थिति है। लेकिन एक बालक विदेह होने का आनंद लेता है जब वो अपने आप को पूर्ण रूपेण सौंप देता है, जब वो अपनी माँ की गोद में होता है। बालक कितना सुरक्षित महसूस करता है, बालक कितना प्रसन्न होता है, बालक का आह्लाद देखते ही बनता है जब बालक अपनी माँ की गोद में होता है। भक्त का विदेह होना बिल्कुल ऐसा है कि जब वो अपने 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 प्रभु की गोद में है। जिमे बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवारी। इसीलिए भक्त का आनंद विलक्षण है, सर्वश्रेष्ठ है। तो उन योगी राज ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे दर्शन कराना चाहते थे कि भक्त का गौरव क्या होता है, क्या भक्त की श्रेष्ठता है, क्या भक्त की उच्चता है। चल दिए मीरा को आशीर्वाद देकर। खाली ऐसा ही नहीं कि एक शिष्य को योग्य गुरु चाहिए, एक योग्य गुरु भी इस बात की प्रतीक्षा करता है कि मुझे योग्य शिष्य मिले, एक योग्य पात्र मिले जिसमें अपने हृदय की वस्तु को प्रतिष्ठित कर सकूं, प्रतिस्थापित कर सकूं, जिसे अपना दर्पण बना सकूं, जिसमें स्वयं को देख सकूं, जो आनंद मैंने पाया है। आपको सुख और दुख दोनों की अभिव्यक्ति के लिए कोई और व्यक्ति चाहिए। आपको दुख की अभिव्यक्ति के लिए भी कोई चाहिए जिसके जिसके कंधे पर अपना सर रखकर आप रो सकें, अपने मन को हल्का कर सकें, और अपने सुख की अभिव्यक्ति के लिए भी आपको कोई चाहिए, कोई बांटने वाला चाहिए। ऐसे सदगुरु को भी, एक योग्य गुरु को भी अपने मन के अपने चित्त के आनंद को बांटने के लिए कोई योग्य शिष्य चाहिए। बड़े प्रसन्न थे मीरा जैसी एक शिष्या पाकर, बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। राव दूधा ने बहुत सी भेंट दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा कि ऐसा शिष्य पाकर केवल इस जन्म के लिए नहीं, मैं सदा सदा के लिए तृप्त हो गया हूं, अब और कुछ नहीं चाहिए। चल दिए। कुछ काल ऐसे ही व्यतीत हुआ। मीरा अपनी भाव समाधि में मस्त रहती। वृंदावन से कोई संत आ पहुंचे दर्शन करते करते। संतों के लिए सदा द्वार खुला रहता था राव दूधा के महलों का, संत आते थे। और मुझे तो लगता है कि संतों के चरणों की रज का ही ये प्रताप था
कि उस भूमि पर मीरा जैसा ये कृष्ण प्रेम की सुवास तीनों लोकों में प्रसारित करने वाला ये दिव्य पुष्प उत्पन्न हुआ। ये संतों की चरण रज का प्रताप था। संत सेवा के फल स्वरूप ही संत आ सकता है। हरि रीझे तो मुक्ति दे, हरिजन हरिजन हरिजन। कुछ काल व्यतीत हुआ, वृंदावन की सुमधुर सुवास लिए एक संत आ पहुंचे। द्वार पर खड़े कीर्तन कर रहे थे, रावदूदा ने बुलाया, बैठाया, सम्मान दिया। और बड़ा अद्भुत उन संत का व्यक्तित्व था कि मौन भी बैठते थे तो उनके आसपास बैठने वाले व्यक्ति को मंद मंद स्वर सुनाई पड़ता था, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। लेकर आए हो लेकिन जब तक यहां बैठोगे जो मेरा जादू है वो सिर चढ़ के बोलेगा, चलत फिरत सुनियत रहो जहां राधा वल्लभ लाल लाडलो, राधा
वृंदावन वृंदावन अभी यहाँ आने से बिल्कुल पहले मैं कहीं कथा कह रहा था तो किसी ने कहा मुझ तक बात पहुंच गई, बोले अरे महाराज जी बार बार एक कीर्तन कराते। मैंने कहा आप कहते हो मैं बार बार एक कीर्तन कराता हूं, मेरा बस चले तो मैं हर बार यही कहूं, हर बार लाडलो राधा आनंद, कुछ ऐसा ही उल्लास, कोई ऐसी प्रेम की उमंग थी उस संत के आभा मंडल में भी ब्रज रज का सेवन किया था। ज्ञान की अपनी एक गरिमा है, एक गंभीरता है, कर्म का अपना एक प्रताप है, भक्ति का अपना एक आनंद है और प्रेम का अपना एक उल्लास है, प्रतिक्षण वर्धमानम, पल पल बढ़ने वाला उल्लास। कहावत सुनी थी कभी मैंने कि इश्क और मुश्क छिपाए छिपते नहीं, यदि प्रेम नहीं है तो सहस्र साधन भी उसको प्रकट नहीं कर सकते, और यदि है तो सहस्र आवरण भी उसे दुरा नहीं सकते, उसे छिपा नहीं सकते, वो प्रकट होकर रहेगा। उसे प्रकट करने की, उसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई कहता है कि मैं धर्म प्रचार करने निकला हूं तो बड़ी अटपटी बात लगती है मुझे। धर्म को किसी के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, धर्म नित्य और शाश्वत वस्तु है, वो स्वतः प्रसारित होता है। हम उसका स्पर्श पाके आनंदित होते हैं, हम उसका स्पर्श पाके उल्लसित होते हैं। कोई मुझे कहे कि आप प्रभु का यश विस्तार करते तो बड़ी भारी भूल है। प्रकृति नियति फल फूल निर्झर निर्झर झरते झरने, ये उत्तुंग पर्वत श्रेणियां, ये बहती नदियां, ये सब प्रभु के यश का प्रसार करते हैं। हम तो केवल उसका आनंद लेकर आनंदित होते हैं, हम तो केवल उस प्रसारित होते हुए यश में निमज्जन करके आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो जो डूबा, जिस जिसने आनंद लिया, उसने यही कहा, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। सब तो वड़ा सतगुरु नानक, जिस पत राखी में इसीलिए उसका यश गा के मैं कृतज्ञ हुआ हूं, ये मेरा गौरव है। मीरा को खबर पड़ी कि कोई गोविंद राधा गोविंद, कोई गोविंद राधा माधव के नाम का मधुर मधुर कीर्तन करने वाला, उसकी छटा निराली है, उसका व्यक्तित्व निराला है, उस योगी की गंभीरता कुछ और थी, इस प्रेमी संत की मस्ती कुछ और है।
दिन रात गुनगुनाता है, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। एक होता है जल की सतह पर यहां से वहां तैरना, और एक होता है एक स्थान पकड़कर उसमें डूब जाना। ज्ञान और कर्म कि तैरने का मार्ग है, भक्ति डूबने का मार्ग है। यहां डूबा जाता है, यहां तैरा नहीं जाता, यहां इधर उधर कुछ नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दिल दे के दिलवर प्यारे को फिर प्यार भुलाया नहीं जाता, और सर रख के यार के कदमों में उसे फिर उठाया नहीं जाता। जब दिल एक है, जान एक है, दीन एक है, ईमान एक है, और जब गीता और कुरान एक है, फिर दूसरा यार बनाया नहीं जाता। इसे एक निष्ठा कहते हैं। इस एक में बड़ा सुख है, ये एक ही अनुभूति है, इसी एक का नाम अनुभूति है। जब ये एक जीवन में आ जाए, महाराज को जब अनुभूति हुई, 3 दिन की समाधि के पश्चात जब जगे, तो सबसे पहले श्रीमुख से श्री जप्पू जी साहेब कहा, और उसका प्रथम शब्द एक ओंकार। क्या वो एक मिल गया? जिस एक के मिलते ही वो अनेक अभिलाषाएं पूरी हो गई। ये लब्धवा पुमान तृप्तो भवती, अब जाही न चाही कभू कछू, बस तुम संग सहज सने। वो एक आया तो अनेक अभिलाषाएं, अनेक आशाएं, अनेक इच्छाएं मिट गई, समाप्त हो गई। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो कोई आए, अब तो कोई निकट आए और उस आनंद को हमसे ले जाए। जब आप बार 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 एक ही नाम रटते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आप जितनी बार नाम रटेंगे, उतनी बार वो आपको कहीं और गहरा लिए चला जा रहा है। आपको अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन आप जा रहे हैं। मैं अनुभव करता हूं, प्रत्यक्ष अनुभव है ये मेरा, कि जिस दिन मैंने प्रथम बार ये कीर्तन किया था, उस दिन भाव कुछ और था, आज भाव कुछ और है। उस दिन भावना का स्तर शायद कहीं उथला था, आज भावना का स्तर उससे कहीं और गहन है। और मैं तो अनुभूति प्राप्त एक महापुरुष की वाणी का आधार लेकर कहता हूं, किसी जाने हुए ने कहा है, किसी पाए हुए ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। इसकी गहनता कितनी है, इसका आज तक किसी को कोई अनुमान नहीं है। यहां तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। सुमधुर ध्वनि मीरा के भी कान में पड़ी, जब जब हवा फूल की खुशबू, पुष्प की खुशबू का प्रसार करती है, तो कौन आता है पुष्प पर आकर्षित होके? भंवरा आता है। उस सुवास का पीछा करते करते भंवरा आता है, फूल के पास पहुंच जाता है। मीरा के कान में पड़ा वो स्वर, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जो दिशा आज तक अज्ञात थी, आज थोड़ी थोड़ी ज्ञात होने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई मुझे परिचय दे रहा है अपना, जैसे कोई जना रहा है मुझे कि तुम हमारी हो। अब बड़ा अद्भुत सा आकर्षण था इस स्वर में। इससे पूर्व खूब कथा, खूब कीर्तन, खूब वार्ता मीरा ने सुना था, लेकिन आज इस स्वर में कोई विलक्षण सा आकर्षण था, जो इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं हुआ। आप भी हो सकता है जीवन में अनेक लोगों का विचार सुनो, अनेक लोगों के सद्विचार में बैठो, अनेक लोगों का सानिध्य आपको मिले, लेकिन आपकी आत्मा का विश्राम कहां है? इसका उत्तर आपको हृदय में बैठे प्रभु ही देंगे। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं समझाएगा, आपके हृदय में बैठे प्रभु कह देंगे कि ये ठौर तुम्हारी है, तुम्हें यहां विश्राम मिलेगा।
इसलिए फिर कहूंगा बस प्रतीक्षा करना। ये आशा की वल्लरी एक ना एक दिन इस पर फल जरूर आता है, निश्चित रूप से आएगा। आप भजन करते रहना, आप हरि नाम लेते रहना, आपके आपके निकट गुरु आ जाएगा, पहुंच जाएगा जिस दिन आप तैयार हो जाओगे। बड़ा मधुर कंठ था, बड़ा अद्भुत सा मीठा स्वर उन संत का था। हाथ में एक नन्ना सा छोटा सा तंबूरा था जिसे लेकर अपने प्रभु का गुणगान करते थे। मीरा को वो छवि बड़ी प्रिय लगी। संत जब हाथ में तंबूरा लेकर गाते थे उस समय मीरा मानो तीनों लोकों का सुख भूल जाती थी, बस जाती थी वो छवि उन संत की। मीरा के नैनों में उस बाल सुलभ चित्त पर अंकित हो जाती थी वो छवि। बड़े कौतूहल से उन संत को देख रही थी, संत कीर्तन कर रहे थे, हाथ में तंबूरा लिए। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे का समय था, अपने प्रभु को रिझा रहे थे वो संत। बड़े कौतूहल से जो आकर्षण उस योगी को उस पद्मासन में बैठी मुद्रा में देखकर मीरा को हुआ था, आज उससे कहीं अधिक आकर्षण था। उस समय मीरा ने अपने मन को थाम रखा था, मर्यादा में थी, एक सभ्य बालिका की भांति बैठी थी। जब तक संत नहीं बोले थे तब तक मीरा ने प्रश्न नहीं किया था, पर आज मीरा के हृदय का वो धीरज जाने कहां चला गया। कीर्तन करते करते जाने किसने मीरा के हृदय से कह दिया कि क्या आप मुझे भी ऐसा संगीत सिखाएंगे। कीर्तन तो बाधित हो गया, लेकिन जब उन संत ने उस नन्ही सी बालिका के नैनों में वो प्रेम की तृषा देखी, वो संत समझ गए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। घायल की गति घायल जाने और के जिन घायल हुई। संत ने देखा निगाहे फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी न हो तो फिर दिलवरी क्या है। प्रेम की बात जिह्वा नहीं कहती, प्रेम की बात नैन कहते हैं। प्रेम की बात नैनों से कही जाती है, नैनों से सुनी जाती है। वो बात संत के मीरा के नैनों ने कही और उस संत के नैनों ने सुन ली। अवश्य सिखाऊंगा बेटी, क्योंकि तुम सर्वतोभावेन योग्य हो इस दिव्य संगीत को सीखने के लिए। जैसे रूप दो प्रकार का है ना, ऐसे संगीत भी दो प्रकार का है। एक संगीत जो आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, और एक संगीत जो सौम्य है, जो शीतल है, जो आपको विश्राम की ओर ले जाता है। और उस संगीत में यदि भगवत प्रेम की सुवास हो, संगीत में यदि भगवत प्रेम की सुवास हो,
तो संसार देखता है कली पावनावतार चैतन्य देव जैसा कोई आता है, वो महामंत्र जो अनादिकाल से शास्त्रों में पुराणों में लिखित रूप से है, वो उसी महामंत्र का गान करता है और जड़ चेतन स्थावर जंगम सबको भगवत भावना से अभिभूत कर देता है, मत कर देता है। संगीत का ये प्रभाव है, दिव्य प्रभाव। संगीत की शिक्षा मीरा की आरंभ हो गई, सिखाने लगे संत।